नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश आज 22वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीनों सेना प्रमुखों थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध के शहीदों को याद किया और कहा कि उनकी बहादुरी हर दिन देशवासियों को प्रेरित करती है। उन्होंने ट्वीट किया, हम उनके बलिदानों को याद करते हैं, हम उनकी बहादुरी को याद करते हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए कारगिल में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरणा देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध के सभी वीर सेनानियों का स्मरण करता हूं। आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा पुनः गर्व से लहराया। देश की अखंडता को अक्षुण रहने के आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता हूं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच साल 1999 में कारगिल के पहाड़ियों पर जंग हुई थी और बाद में भारत ने कारगिल की पहाड़ियां फिर से अपने कब्जे में ले ली थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके वहां अपने ठिकाने बना लिए थे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद युद्ध के बाद खदेड़ दिया था। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को कहा है कि क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना चाहिए और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी की कहानी खत्म हो गई है। बादल ने कहा है कि किसानों के मद्देनजर विचारधारा के मूल में और उनकी पार्टी इन पर कभी समझौता नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के साथ अपना दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया और केंद्र सरकार से बाहर हो गई। बादल कहते हैं कि शायद किसानों की पार्टी है और उनके मुद्दे हमारी विचारधारा के मूल है। चाहे कुछ भी हो जाए और हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम इन कानूनों को पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। किसान केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। पिछले साल सितंबर में बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ही अकाली दल कृषि कानूनों के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहा है, साथ ही साथ किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब से भारी संख्या में पिछले साल नवंबर में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर्स का रुख किया था, जिसके बाद धीरे धीरे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें शामिल हुए थे। करीब 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। तीन कृषि कानून को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 जनवरी पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए और एक बार फिर से संसद का घेराव किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। लगातार किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बातचीत से हल निकलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि करीब 10 से ज्यादा बार किसानों और सरकार के बीच वार्ता हो चुकी है, लेकिन उस वार्ता से कोई भी विकल्प निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के कारण कार्रवाई प्रभावित हुई है। ऐसे में हंगामे के बीच सरकार के पास इस बचे समय में अहम विधेयकों को पारित कराना बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। सरकार अब इन विधेयकों को लाने और पारित कराने पर विचार कर रही है। पिछले हफ्ते पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानून, अखबार के दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी को विपक्षी दलों ने संसद में मुद्दा बनाया और संसद से लेकर सड़क तक जमकर विरोध किया। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा को कई बार स्थगित भी करना पड़ा था। ऐसे में दोनों सदनों में कम काम हो पाया। एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि विधायकी कार्यों में विधेयकों को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता है। उनके अनुसार इस मॉनसून सत्र के लिए कुल 25 विधेयक और अध्यादेश है। इनमें से 3 विधेयक हाल ही में जारी अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे, क्योंकि नियम है कि संसद सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश के स्थान पर विधेयक को 42 दिनों या 6
सप्ताह में पारित करना होगा, अन्यथा वे निष्प्रभावी हो जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से जारी नोटिस के अनुसार इस सप्ताह सरकार ने सत्र के लिए 5 अध्यादेश सूचीबद्ध किए हैं। इनमें होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अध्यादेश और द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अध्यादेश, NCR में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट संबंधी अध्यादेश और इसके अलावा कई और अध्यादेश हैं जो कि इसमें शामिल हैं। ये सभी पास कराने हैं सरकार को, लेकिन जो बीता सप्ताह रहा है मॉनसून सत्र शुरू होने का, वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहा है। पेगासस विवाद को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बार बार हंगामा हो रहा है, जिसके बाद कई बार कार्रवाई जो है स्थगित करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये विधायक अध्यादेश पटल पर लाए नहीं जा रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाने वाली है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इसके लिए पार्लियामेंट का नया चैम्बर भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है तो फिर आम लोगों की राय भी इस पर ली जानी चाहिए। मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे बीजेपी के संसदीय सहयोगियों द्वारा विश्वसनीय रूप से बताया गया है कि 2024 से पहले लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 1000 या उससे अधिक करने का प्रस्ताव है। 1000 सीटों वाले नए संसद कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि सबको पता है, ऐसा करने से पहले एक गंभीर सार्वजनिक परामर्श होना चाहिए। तिवारी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि इस मसले पर सार्वजनिक बहस की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस की जरूरत है। हमारे जैसे बड़े देश को ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, लेकिन अगर ये इजाफा जनसंख्या के आधार पर किया गया तो इससे दक्षिणी राज्यों का जनप्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा, जो स्वीकार्य नहीं होगा। तो मनीष तिवारी बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके कहा है कि हमें जल्द ही लोकसभा में सीटों में बढ़ोतरी करने की जरूरत है, क्योंकि नया संसद जो है वो बनने की तैयारी पे है। इसको लेकर अब विपक्ष भी लगातार बयानबाजी कर रहा है। तमाम ट्वीट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कार्ति चिदंबरम, उन्होंने भी कहा है कि हमारा देश जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में जल्दबाजी ठीक नहीं है, हमें लोकसभा पर और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। राजस्थान के 19 जिलों की 34 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव में 72.32% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा मतदान बाड़मेर जिले की धोरी मन्ना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में हुआ। वहां 92.88% मतदाताओं ने वोट डाले। सबसे कम मतदान नागौर जिले की बांसी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में, यहां 46.18% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोटिंग करने के लिए मतदाताओं का आभार जताया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया है कि 22 जिलों की कुल 48 ग्राम पंचायतों में से 8 ग्राम पंचायतों में कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया, जबकि 6 ग्राम पंचायतों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ था और सुबह 10 बजे तक 19.08% मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 72.11% मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान समाप्ति के कुल जो फीसदी रहा है वो 72.32% मतदान रहा है। राजस्थान में 72.32% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर मतदान किया गया था, धोरी मन्ना में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। करीब यहां पर 90% से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अपने मतदान का इस्तेमाल किया है। पद से हटने की अटकलों के बीच कर्नाटक की BS येदियुरप्पा सरकार के कार्यकाल को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर येदियुरप्पा थोड़ी देर में विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में 2 घंटे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे अपने पद पर बने रहने के बारे में पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले रविवार को बिलवागे के जिला मुख्यालय शहर में येदियुरप्पा ने कहा है कि वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। उधर कर्नाटक सरकार में खान मंत्री दुर्गेश निराणी और संगठन मंत्री मुकुंद दिल्ली पहुंचे। यहां उनकी राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष से मुलाकात हुई है। दुर्गेश निराणी लयांगत नेता हैं।
और 3 बार से लगातार बगलकोट की वेगली सीट से विधायक है। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा राज के अगले सीएम के लिए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई के पक्ष में है, जबकि केंद्र नेतृत्व मुरगेश निराणी और प्रहलाद जोशी में से किसी को सीएम बनाना चाहता है। मुरगेश इसमें फ्रंट रनर है, वो आरएसएस के नजदीक है। येदियुरप्पा ने बताया कि उन्होंने 2 महीने पहले इस्तीफे की पेशकश की थी और दोहराया कि अगर पार्टी नेतृत्व की इच्छा रही तो वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और अगर उन्हें यह पद छोड़ने को कहा गया तो इस्तीफा दे देंगे और पार्टी का काम करेंगे। वो कहते हैं, मैं अगले 10 से 15 साल तक दिन रात पार्टी के लिए काम करूंगा, इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। तो कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन येदियुरप्पा की जो कुर्सी है उस पर कहीं ना कहीं बदलाव के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नाम रेस में शामिल हुए हैं, हालांकि येदियुरप्पा ये कहते हुए नजर आए हैं अगर पार्टी उनके नाम पर दोबारा से विचार करती है तो वो सीएम पद पर बने रहेंगे, लेकिन पार्टी आलाकमान उनसे कहती है पद छोड़ने के लिए तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आने वाले तमाम सालों में वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली शासन की महत्वपूर्ण परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाले 100 से ज्यादा मकान ढह जाएंगे। ये मकान प्रयागराज जिले के सोरवा तहसील के 20 गांव में बने हुए हैं। यूपीआईडीए के ओर से इन मकानों को सर्वे के दौरान पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। अब जिला प्रशासन की ओर से उन मकानों को हटाने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले स्कूल भट्टे को भी हटाने की तैयारियां जोरों पर है। इसमें 2 सरकारी स्कूल भी शामिल है। सरकारी स्कूलों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जबकि निजी स्कूल संचालकों को मुआवजा दिया जाएगा। जिला प्रशासन के अफसरों के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे की जद में आने वाले सभी मकानों, स्कूलों, भट्टों, बोरिंगों के आंकलन के लिए विभाग के अनुसार विशेषज्ञों की कमेटी भी बना दी गई है। भवनों के आंकलन के लिए पीडब्ल्यूडी की टीम लगाई गई है, जबकि नलकूपों के आंकलन के लिए जल संसाधन के इंजीनियर भी लगातार काम कर रहे हैं। एडीएम वित्त और फाइनेंस एमपी सिंह ने बताया कि प्रयागराज में एक्सप्रेसवे की जद में 100 से ज्यादा मकान आ गए हैं। तो बहुत बड़ी परियोजना है ये गंगा एक्सप्रेस परियोजना, जिसको लेकर तैयारियां अब जोरों पर नजर आ रही है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के जद में जितने भी मकान आएंगे वो ध्वस्त किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि करीब 6 से ज्यादा गांव हैं जो इस एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल भी इसमें शामिल हैं और कुछ यहाँ पर ईंट भट्टे भी शामिल हैं, उन्हें भी हटाने की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन ये देखना होगा कि इसका मुआवजा कितने दिनों में लोगों तक पहुँच सकता है। तो गंगा एक्सप्रेस बहुत बड़ी परियोजना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 100 से ज्यादा ये मकान बताए जा रहे हैं जिनको रास्ते से हटाना है, यानी कि उनका ध्वस्तीकरण करना है, लेकिन क्या उनके मकान जो है दूसरी जगह पर उन्हें लौट किए जाएंगे सरकार की तरफ से, इसको लेकर अभी कोई भी चर्चा नहीं की गई है। महाराष्ट्र में विभिन्न इलाकों में हुई बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में करीब 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही करीब 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा की बात कही है। उनका कहना है कि वो आज पश्चिमी महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और नुकसान डाटा भी तैयार किया जाएगा। रायगढ़ के चिपलून में समीक्षा बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकार प्रभावित लोगों को फिर से बचाने के लिए हर संभव मदद करेगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, कपड़े, दवा और अन्य आवश्यक सामग्री जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन को इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि राहत कार्य में कोई भी तकनीकी बाधा ना आए। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कहाँ है, राज्य और जिला स्तर के अफसर कहाँ हैं, लोग बेसहारा हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं दी जा रही। बता दें कि राणे ने रायगढ़ के तालिये गांव का दौरा किया और यहां पर 49 लोगों की मौत हुई थी। तो महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश की वजह से लगातार लोग बहुत प्रभावित हैं। करीब 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 100 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गाड़ियां, फ्लाईओवर ब्रिज, मकान डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लोग काफी ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन यहां पर आज उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो उन जगहों का दौरा करेंगे जहां पर बाढ़ ने ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। हालांकि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार कहाँ है, राज्य सरकार जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं कर रही है, ना तो राहत बचाव को तेजी से काम करवाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ सियासी पार्टियां अपने अपने जातीय समीकरण साधने की कवायद में जुटी है तो दूसरी तरफ देश की बड़ी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी एक्टिव नजर आने लगी है और चुनावी मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड आज लखनऊ में बड़ी बैठक करने जा रही है जिसमें मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक लखनऊ के मदरसा सुल्तानुल मदरस में होगी जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों बुलाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में यूपी की जनसंख्या नियंत्रण नीति सहित मुसलमानों से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगले साल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर भी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य चर्चा करेंगे। ऐसे में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लखनऊ में होने वाली शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में इस्लामिक किताब कुरान की तौहीन करने वाले लोगों का धार्मिक और सामाजिक रूप से बॉयकॉट करने का भी ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को लेकर सुन्नी समुदाय नहीं बल्कि शिया समुदाय भी सख्त नाराज नजर आता है। खासकर वसीम रिजवी के द्वारा कुरान की आयतों को हटाने की मांग को लेकर यह नाराजगी बताई जा रही है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यासू अब्बास वसीम रिजवी की तुलना सलमान रुशीद से कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि वसीम रिजवी हमेशा कुरान के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं और इस्लाम को बदनाम करने का काम करते हैं। तो 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी दल पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में सभी मुस्लिम संगठन भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की आज लखनऊ में बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें तमाम जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। अगले साल देश के कुछ राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं। सबसे अहम विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 2022 में फरवरी या मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात के भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि सीएम के चेहरे के बिना चुनाव लड़ने के विचार का राजनीतिक और आंतरिक कारण भी है। ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम बेहतर नहीं आए तो इसका असर गुजरात के नतीजों पर भी देखने को मिल सकता है। ये भी जाहिर है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव की करीब साल भर पहले से ही शुरू कर देती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार या नेतृत्व परिवर्तन ना होने के बजाय विधानसभा भंग होने की संभावना है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्रियों के चेहरे के बिना ही 2022 का गुजरात चुनाव लड़ सकती है। पार्टी में संबंध में विचार भी चल रहा है। वहीं गुजरात बीजेपी की कमान सीआर पाटिल संभाल रहे हैं। उनकी ओर से लगाया गया पेश प्रमुख मॉडल राज्य के कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में संतोष पनपने के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं को पेश प्रमुख की जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये कार्यकर्ता अपने काम में ढील देते हैं तो उसका खामियाजा बीजेपी को जमीनी स्तर पर उठाना पड़ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सोमवार से दिल्ली में अनलॉक की एक और प्रक्रिया शुरू हुई है। सोमवार से दिल्ली मेट्रो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है। करीब एक साल बाद ऐसा हो रहा है जब मेट्रो इस तरह दौड़ने के लिए तैयार है। लेकिन पहले ही दिन दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं रहा। 100% कैपेसिटी से मेट्रो चलाने का आज पहला दिन था। ऐसे में सुबह से ही अलग अलग स्टेशन पर लंबी लाइनें देखने के लिए मिली है। बुधरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन समेत दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन सुबह से ही पूरे व्यस्त नजर आए हैं। सुबह से ही यहां पर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली। इस दौरान मेट्रो में कुछ देर दिक्कत आने के कारण कुछ स्टेशन पर गेट भी नहीं खुले। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां हुई हैं। लोग इस बात से खुश थे कि लंबे वक्त के बाद मेट्रो पूरी कैपेसिटी में चलने से कुछ आसानी होगी, लेकिन पहले ही दिन जमकर गड़बड़ी देखने को मिली है। देश में इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। हालांकि अब संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले हफ्ते नए मामलों में मात्र 1% की कमी दर्ज की गई जबकि मौत 16% घटी है। वहीं दुनिया में कोरोना के नए मामले 3% और मौतें 4% तक बढ़ी हैं। वहीं वाडोमीटर वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 दिनों में देश में कोरोना संक्रमण के कुल 2,66,000 से ज्यादा मामले सामने आए जबकि इससे पहले से 7 दिनों में 2,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में ये कमी 1% है। इसी तरह बीते हफ्ते 3,436 मौतें हुई जबकि उसके पहले के 7 दिनों में 4,090 मौतें दर्ज हुई हैं। मौतों के मामले में ये कमी 16% है। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से ज्यादा बनी हुई है। कुल 4,08,000 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,13,32,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,05,03,000 लोग ठीक भी हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता देश भर में अद्भुत होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी हाईटेक की जाएगी।
काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को जमीन हस्तांतरण के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। धाम में सुरक्षा वॉच टावर की बाधा जमीन हस्तांतरण के साथ ही दूर हो गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिली जमीन पर बने पुलिस कंट्रोल रूम के ध्वस्तीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद इस जमीन पर सबसे बड़ा सुरक्षा वॉच टावर का निर्माण किया जाएगा। 1700 वर्ग फीट में बनने वाला वॉच टावर इस परिसर की सबसे ऊंची इमारत होगी। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 5.43 करोड़ रुपए से उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें से 31 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, 47 हैंड हैंडल मेटल डिटेक्टर और 11 एक्स-रे बैगरेज स्कैनर और 19 महिला तलाशी बूथ शामिल हैं। काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की 5वीं बैठक में सुरक्षा उपकरणों के लिए धन आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया था। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी परिसर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील क्षेत्र है। 1992 के बाद से इस परिसर की सुरक्षा के संबंध में स्थायी समिति गठित की गई थी। परिसर में वृद्धि के साथ ही सुरक्षा योजनाओं को संशोधित किया गया। परिसर में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और अग्निशमन केंद्र के साथ ही हाइड्रोलिक गेट भी होंगे। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट में सुरक्षा उपकरण का बजट शामिल नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है। मंदिर का गर्भगृह CRPF की निगरानी में रहता है। मंदिर के समीप स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की निगरानी में CRPF ही करती है। मंदिर और मस्जिद का बाहरी सुरक्षा घेरा पुलिस और PAC के जवानों के हाथों में है। मंदिर और मस्जिद के चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए 50 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। UPPSC से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया है। काउंसलिंग 26 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इससे पहले 11 विषयों के 211 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा कॉलेज आवंटित किए जा चुके हैं। बीच में प्रवक्ताओं के ऑनलाइन मोड में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण काउंसलिंग रोक दी गई थी। UPPSC ने विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों में अलग अलग विषयों में प्रवक्ता 720 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया था। इससे पूर्व प्रवक्ता पद पर ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग कराई जाती है, लेकिन इसमें पक्षपात और गड़बड़ी के आरोप लगाने के कारण शासन ने पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया। इसके लिए INSC के जरिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और उसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने 20 विषयों में प्रवक्ताओं के करीब 629 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया है। काउंसलिंग 9 जून से शुरू कराई गई थी। प्रदेश सरकार ने 13 18 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कोई भी तबादला आदेश पब्लिक डोमेन के जरिए नहीं किया गया। नियुक्ति विभाग के अफसरों ने देर रात तक फोन रिसीव नहीं किया। विभिन्न जिलों और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोरखपुर समेत 3 जिलों के GM बदले गए हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का प्रभार वापस ले लिया गया। कानपुर के नगर आयुक्त अध्यक्ष त्रिपाठी को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। शासन ने गोरखपुर के GM के विजयेंद्र पांडियन के स्थान पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को गोरखपुर के DM के पद पर तैनाती दी है। पांडियन को अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त करने को मंजूरी दे दी गई है। विजय को बेसिक शिक्षा में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, स्कूल में बदलाव के लिए कायाकल्प योजना और शिक्षा विभाग के कार्मिकों को बाबूराज से सहूलियत देने के लिए मानव संपदा पोर्टल के सफल क्रियान्वयन का इनाम मिला है और उन्हें मुख्यमंत्री के गृह जिले की कमान भी सौंपी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा नामिका सिंह को महानिदेशक स्कूल शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जहरीली शराब कांड में तमाम लोगों की मौत से चर्चा में रहे अलीगढ़ के DM चंद्रभूषण सिंह पर सरकार का भरोसा बरकरार है। उन्हें मुजफ्फरनगर का DM बनाया गया है। मुजफ्फरनगर की DM सेल्वा कुमारी जो अब अलीगढ़ की कमान संभालेंगी। सहारनपुर के मंडलायुक्त AV राजमौली को हटाकर खाद्य आयुक्त बनाया गया है। सहारनपुर के मंडलायुक्त पद पर अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति से लौटे लोकेश M को तैनाती दी गई है। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान को निदेशक उद्योग कानपुर के पद से तैनाती दी गई है। कुंभ मेले के बाद से बंद चल रही नागपुर, इंदौर, लखनऊ और पटना की फ्लाइट एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद बन गई है। इन चारों ही शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने के लिए विमान कंपनियों ने केंद्र और प्रदेश के उड्डयन मंत्रालय से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए विभाग द्वारा बिडिंग की प्रक्रिया कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा प्रयागराज से कुछ अन्य रूटों के लिए भी विमान कंपनियों ने सर्वे शुरू किया है। उड़ान योजना के तहत प्रयागराज से जेट एयरवेज द्वारा नागपुर, इंदौर, पटना और लखनऊ के लिए सीधी फ्लाइट संचालित की जा रही थी।
जेट एयरवेज के बंद हो जाने के बाद अप्रैल 2019 से इन शहरों के लिए सीधी उड़ान बंद हो गई है, जबकि इन शहरों के लिए प्रयागराज से कंपनी को अच्छा पैसेंजर लोड भी मिल रहा था। पिछले साल लगे लॉकडाउन के पहले इन चारों शहरों के लिए विमान सेवा शुरू हुई। इसके लिए कुछ निजी विमान कंपनियों ने उड्डयन मंत्रालय से संपर्क भी साधा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर आगे बात नहीं बढ़ पाई। अब जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप थम गया है तो एक बार फिर से कुछ कंपनियों ने इन शहरों के लिए सीधी उड़ान की पेशकश उड्डयन मंत्रालय से की है। प्रयागराज से अहमदाबाद, जयपुर और चेन्नई के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने के लिए स्पाइस जेट और अन्य विमान कंपनियों की ओर से सर्वे किए जाने की बात भी सामने आ रही है। नोएडा पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लग्जरी कार चुराने वाले तीन चोरों को धर दबोचा। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट की टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 17 आलीशान कारें बरामद की हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये गिरोह ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियों को चोरी करवाता था। चोरी के बाद कारों के नंबर प्लेट, इंजन नंबर और चेसिस नंबर बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्हें महंगे दामों में बेच देते थे। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर 58 पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट सेल ने रविवार को शातिर वाहन चोरों के गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि उनकी पहचान अमित, अजपेर और संदीप के रूप में हुई है। तीनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। गिरोह का सरगना अमित पहले भी कई बार वाहन चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।